हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो दे रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम आपको बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना के दे पा रहे हैं। तो आज ये वीडियो हमने काफ़ी दिनों के बाद अपलोड की है। आज हम गए थे पूजा में, अवसान माता की पूजा थी हमारे बगल में घर के पास, चाची के घर पर। तो वहीं पर हम लोग आए हुए हैं पड़ोस में। तो यहाँ पर देखिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और ये चना गुड़ और पेड़े का भोग लगाया गया है माता जी को। ये अवसान माता की पूजा की तैयारी चल रही है। पाटे पे पूरी तैयारी कर ली गई है और माता जी को सिंदूर विंदूर लगाया जाएगा। अभी हम आपको पूरी पूजा दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको माता जी की बहुत ही सुंदर कहानी भी सुनवाएंगे जो हमारी दीदी जी ने कही है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत अच्छी है। दो सगी बहनों की कहानी है जो कि हमारी दीदी आपको सुनाएंगी, आप सभी लोग सुनिएगा। तो देखिए माता जी की पूजा शुरू हो चुकी है। अभी सारी महिलाएं नहीं आई हैं, एक एक करके आ रही हैं। सुबह सुबह 8:30 का टाइम है तो कुछ लोग अपने घर का काम निपटा चुकी हैं और कुछ लोग निपटा के आने वाली हैं। तो आगे पीछे ही सभी लोग आई हैं, अभी कुछ महिलाएँ बाकी हैं। तो माता जी के लिए चिराग भी जला दिया गया है, दीपक जल गया है और पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे सभी महिलाएं पूजा करेंगी, धीरे धीरे से और भी लोग आती रहेंगी। तो आप सभी लोग हमारा ये व्लॉग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी भी सुनिए। माता जी की पूजा की वीडियो तो मैंने आपको बहुत सारी दी हैं। अवसान माता की पूजा कि मैंने पूरी पूरी वीडियो बनाई है, आप सभी लोगों को पूरा विधिवत भी दिखाया है मैंने कि कैसे पूजा होती है। तो आज हम आपको पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, आप उस कहानी को ही पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कहानी बिल्कुल नई कहानी है, अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। तो देखिए सब लोग कोछा ले रहे हैं, कोछा लेने के बाद ही कहानी कही जाती है, कहानी शुरू होगी। अभी सारी महिलाएं अपना अपना कोछा भर लेंगी और उसके बाद माता जी को सिंदूर भी चढ़ाएंगी, प्रसाद चढ़ाएंगी। इसी तरह से पूजा होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लैया नहीं है, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप चाहें तो लैया भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी चाची जी ने लैया नहीं मंगाई है। इन्होंने गुड़ चना और पेड़े से ही माता जी की पूजा की है। बहुत जगह पर ऐसे भी होता है और बहुत जगह पर लोग लैया चना गुड़ से भी माता जी की पूजा करते हैं। तो देखिए इसी तरह से कोछा भरा जाता है। ये पूजा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, घर घर में अवसान माता की पूजा की जाती है। हम लोग की मान्यता है कि ये पूजा बहुत ही सच्ची होती है। माता जी तुरंत मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जिन भक्तों पे संकट होता है या जिनके कोई भी बिगड़े काम होते हैं, कोई काम नहीं बनते हैं, तो अवसान माता की पूजा मानने के बाद वो काम बहुत जल्दी हो जाता है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो इसलिए हमारी तरफ घर घर में अवसान माता की पूजा का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। सभी लोग पूजा करवाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा और अवसान माता की पूजा सभी महिलाएं करवाती हैं। माता जी को सिंदूर लगाएंगी, धूप दीप और माता जी को भोग भी लगाएंगी, फूल चढ़ाएंगी। इसी तरह से माता जी की पूजा की जाती है। एक एक करके सारी महिलाएं माता जी की इसी तरह से पूजा करेंगी। और अब हम आप लोगों के समक्ष कहानी रखने जा रहे हैं। आप सभी लोग कहानी को सुनिए और आनंद लीजिए। बोलिए अवसान माता की जय। तो भी अपनी बहन के लिए लड़का अपने गांव में मतलब पता चला थोड़ा दूर पर, तो अच्छा घर रहा है, लड़का रहा है, सब ठीक ठाक रहा है, तो अपना अपनी बहन की शादी करवा दी। नहीं लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि होते करते जो है वह लड़की जो कराई तो अपने वाले में अच्छे जगह रहे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर गरीब होते चली गई। फिर वो धीरे धीरे जो है अपना खाने पीने की दिक्कत होने लगी, फिर घर से निकले लगी, अब किसी को तो नहीं काम करे जाए लगी। घर घर
इधर बड़ी बहन जो है अभी ज्यादा अमीर ना है, उनका धीरे धीरे खबर लगी कि तुम्हारी बहन जो है इधर काम वाम कर जाती है इधर उधर, उनका बेइज्जती लगी, खबर कोई खान से भिजवाई अपनी बहन के पास कि तुम इधर काम कर जाती हो और वहाँ बेइज्जती होते है, तुम्हारा शादी भी हम करा रहे हैं, जाना थी तो तुम इधर उधर ना जाकर के हमारे घर आओ, ऐसे हमारे घर में काम करो, तो तुमका हम भी दे दिया कर भाई अपना जो कुछ समझे वही दिहाड़ी सब कुछ सुने भाई। बड़ी बहन ना अभी छोटी रहे, अदब मनती रहे, उनकी बात मानी, उनके घर बड़ी बहन के घरे आए लगी काम करे खाते, दिन भर रहती रहे, काम करती रहे, फिर खाना पीना सामान बच्चे रहे चार पाँच थोड़े छोटे खाने पीने सामान दे दिया करती रहे, चली जाती रहे अपना काम करती रहे, करते करते दिन बीते, फिर उनकी बड़ी बहन उनके बड़े लड़का का जो है तिलक हुआ, अच्छा ले तिलक वैसे पकड़ो ले उसी ना दे फिर दूसरा मत कर दे बढ़िया कुछ दे दे स्टैंडर्ड दावत सब हुई। तो अपनी बहन जब आई काम करे तो बहन से कहीं कि आज हम ले कल तिलक धरी है दूर नहीं है, हां यही भाई का कपड़ा अच्छे पहन के आयो, हां आयो तो और ठीक ठाक से बन के आयो, तो कहीं के छत ठीक है और यहाँ बहन की थोड़ा देर से आए, जब मेहमान जब चले जाए सब आखिरी में एकदम आए तुम, तो फिर भी भाई गई, अब उनका कपड़ा नहीं समझ में आता कि हम कौन कपड़ा पहने, फिर कैसे एक ठीक ठाक लगी धो धाक बढ़िया पहन के अपना गई, बच्चन का लेके नहीं गए क्योंकि बच्चन के पास कपड़ा लगता नहीं रहा, तो बच्चन के नहीं ले गए अपना गई, अब उनके यहाँ गेट पर गार्ड वार्ड भी खड़े रहे, दावत वावत हुई भाई पार्टी वार्टी सब हुई गए, अभी गेट के बाहर खड़ी रही, शाम को तो गई रहे देर में, अब खड़ी रही इंतजार कर रही, जब अंदर जाए लगे तो कपड़ा थोड़ा वैसे पहने रहे जैसे कि काम वाले जैसे, तो गेट वाले भी ना जाए कि वहाँ पार्टी हो रही अच्छे लोग तुम कहाँ जा रही चलो जाओ कपड़ा अच्छे नहीं पहने, तो उनका बाहर ही कर दी, फिर धीरे धीरे करके जब उनका रानी का खबर लगी कि आई है तुम्हारी बहनी बड़ी देर से खड़ी है, उनका गेट वाला अंदर ही नहीं आ दे रहा, तो जब सब मेहमान भी तब तक चले गए तब फिर काफी टाइम हो गया, फिर सब खाना पीना हो गया धीरे धीरे करके, उनका कोई बुलाया ही नहीं मतलब, फिर देर हो गया, अभी सोचे अब तो बच्चे भी भूखे हैं, अब बताओ हम कहाँ गेट वाला अंदर नहीं जा दे रहा, तो फिर धीरे धीरे फिर जो है सब पत्तल अत्तर सब लोग खा खा के जो फेंकी ना बाहर पड़े ना है, तो वही में खाना सब लोग राहत नहीं जा रहा, रसगुल्ला है कहूँ पूरी कचौड़ी सब नहीं जा रहे, अब ये सोचे कि हम लड़कन से तो बताए हैं कि आज मौसी के यहाँ दावत है आज जाइए हम, तो अब लड़का तो हमारा रास्ता देखी है कि आज तो मम्मी गई है तो कुछ नहीं खाना पीना सब बढ़िया, अब उनका लड़कन की बड़ी चिंता ला गए, तो भी सोचे अब हम का करी, लड़का हमारा मतलब कही है कि मम्मी कुछ लाई नहीं, तो भी जो है अंदर से दुखी तो भाई, लेकिन फिर क्या करें वही ढेर में से जो लगे रहा सब पत्थर, तो वही में से अच्छा अच्छा पूरी अच्छे अच्छे रसगुल्ला ढूंढ के हाँ थोड़े बहुत अपना रख लिए पन्नी में और रख के फिर जो है अपने घरे गई, तो घर का गई मतलब रास्ता में गई तो एक पेड़ रहा चबूतरा रहा, तो वहीं पर सब लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जैसे सब लोग दुर्गैया भी खवाए पिन्नी भी खवा रहे वही जगह पर, तो मैं गई तो वही सब पूजा पाठ का प्रसाद वरसाद थोड़ा बहुत पड़ा रहा है वहाँ पर, उनके दुखी रहे करे वही मैं जा चिंता पड़ी और रोए लगी कि अब माता रानी का करिए बताओ लड़को मर सो गई हुई है कहीं कुछ नहीं, मगर उनसे श्रद्धा पढ़ के प्रार्थना कर लेने से फिर वहाँ का प्रसाद भी ले ली हुई और वही मैं प्रसाद भी किनारे बांध ली धोती माँ, जब घर पहुंची तो अब सोच रही जूठन का खाना उठा के लाए लड़कन का कैसे खवाई, अब लाई लड़का सो ही गया रहा है टाइम ज्यादा ही गया रहा है, तो दीवार के ऊपर ऐसे रख दें, फिर जब सवेरे जब लड़का सब उठे तो कह रहे हैं कि मम्मी लाई नहीं कुछ खाना होना, कि गुस्सा मारे कहीं तो दिवाली अब रखा जाओ उठा लो खाओ जा, फिर बच्चे जब लाए तो वो सब हो गया बढ़िया सोना चांदी सब बन गया वो, तो कह मम्मी देखो ये कैसे हो गया है, तब समझ गई कि सब माता रानी की कृपा से हुआ, फिर वही करीन फिर वही धीरे धीरे करके कुछ सोना चांदी वही के होगा बेचिन, फिर धीरे धीरे घर बनवाए अपन घर बनवा के अपना सब ठीक ठाक रहने लगी, तो जब काफी दिन बीते जब ये अपनी बहन के यहाँ काम नहीं करे गई तो उनका लगा कि ये पता नहीं कहा माँ बहन नहीं आ रही है घरे, तो एक दिन फिर वही कहें कि लो अच्छा हम ही चली जाए खबर ना भिजवा के हम ही चली जाए देखी काहे नहीं आ रही है घरे, तो जब वहाँ गई तो उनका घर वर बन गया सब कुछ उनके बदल गया सब बदल गया, तो जब बहन उनकी गई तो बढ़िया मेज पर रखी का रखी पानी वानी दे की बजाय मतलब उनका सोना चांदी अच्छा। और साड़ी बढ़िया बढ़िया सब मेज पर रख दी, और तो कह रही दीदी खाओ खाओ दीदी, तो कह रही की
अब एक दो बार हो गया, दो बार ही कहेंगे करके भैया के कहा कही रही है, कह रही साड़ी और सब धर के जैसे कुछ अंदर ले चली जाए दोबारा, फिर और ले चली जाए और कही दे कही के ले अंदर फिर चली जाए, फिर दोबारा खाओ दीदी खाए नहीं तो कहीं तुम कहा कही रही दीदी तो कि खाओ ये कोनो खाए वाली चीज आई तो कहीं की तब यह बात कहीं की तुम यही के खातिन तो हमका कितना बड़ा मतलब वो हम पर बुलाए नहीं तुम, क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं रहा चीजें बन नहीं रहा तुम बुलाए नहीं रहो और लड़का बच्चा हमारे बताओ भूखे सब सो गए रहे हैं, आज आज हमका माता रानी देखो सबको दी ही नहीं है तब जाए खाओ तुम, तब उनका समझ में आवा कि सही बात हमारे पास रहे तो हम अहंकार रहे हमारे घमंड तो अपनी बहन के साथ हम ऐसा व्यवहार करें तो वही फिर अपने आप का क्षमा मांगे फिर जब बताए सारी स्टोरी कि हम आए तुम्हारे घर से रात में लेके और फिर माता के वहाँ पर गए रोहन हुआ और तब प्रसाद लेके आए, तब जब बताए तो उनके भी अंदर भावना भाव जागे भगवान के प्रति, फिर वो भी मान ली फिर मान के फिर पूजा पाठ करी फिर दोनों बहनी फिर अच्छे से रहने लगी फिर बदल गया सभी।